दोस्तों, अगर आपकी बाइक में भी डिस्क ब्रेक है तो आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो ऐसा इसलिए होता है कि ब्रेक फ्लूड या ब्रेक ऑयल मिनिमम लेवल से कम हो गया हो, तो इससे हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है जिससे ब्रेक नहीं लगते हैं। तो मैं ब्रेक फ्लूड लेके आया हूं। इसे घर पे ही टॉप अप करने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। ब्रेक ऑयल कौन सा लेना है ये आपको अपनी गाड़ी की यूजर मैनुअल में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बाइक को डबल स्टैंड या मेन स्टैंड पर लगा देना है और स्टेयरिंग बिल्कुल सीधा कर देना है ताकि ब्रेक फ्लूड का जो कंपार्टमेंट है वो बिल्कुल सीधा हो जाए। उसके बाद ये स्क्रू ओपन कर लेना है इस तरीके से। स्क्रू ओपन होने के बाद इसका कवर निकाल देना है। उसके बाद ब्रेक फ्लूड ओपन करके इसके अंदर भरना है। ध्यान रहे, हमें इसे पूरा नहीं भरना है, 70-75% तक ही भरना है, क्योंकि इसके कवर के नीचे इस तरीके का जिगजैग पार्ट होता है, तो पूरा भरा हुआ होगा तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये रिफिल हो गया है, इसे अच्छे से बंद कर देना है इस तरीके से। अब दोस्तों, बंद हो जाने के बाद इस तरीके से कुछ देर तक प्रेशर अप्लाई करना है ताकि कुछ प्रेशर क्रिएट हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेक लगना शुरू हो गया है। आप कुछ देर बाइक चलाएंगे तो अपने आप ब्रेक नॉर्मल हो जाएगी।